अस्सलामुअलैकुम खुशामदीन मरहबा वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। दिल्ली में इतनी ठंड पड़ रही है, मतलब मैं ब्लैंकेट से बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा। मैं डेली सोच रहा था कि मैं बाहर जाता हूँ, व्लॉग शूट करता हूँ और आपको कुछ दिखाता हूँ, लेकिन ठंड की वजह से हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर जाने की। लेकिन फाइनली आज बहुत ही मेहनत और मशक्कत करने के बाद मैं ब्लैंकेट से बाहर निकला और मैं सोचा नहीं, आज बस 6 दिन हो गए, 5 दिन हो गए कोई व्लॉग नहीं आया, तो आज हम चलते हैं व्लॉग शूट करते हैं और आपको दिखाते हैं। एक एंड गाइज, दिस इज द गेट ऑफ जामिया स्कूल, गेट नंबर 17। एंड वी आर इन साइड द जामिया स्कूल के अंदर, हम एंट्री ले चुके हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर इनसाइड द जामिया स्कूल कैंपस। तो द फीलिंग इज अमेजिंग, क्योंकि स्कूल में तो नहीं है, कॉलेज में, लेकिन बात तो एक ही है ना। तो जिनका जिनका एडमिशन हो गया उनको कांग्रेचुलेशन, जिनको नहीं हुआ अच्छे से वर्क करो, अच्छे से फिर से करो और नेक्स्ट ईयर एडमिशन लो, ठीक है। तो लेट्स वॉच सम अमेजिंग शॉट्स ऑफ जामिया स्कूल। और ये बताओ मास्क कैसा लग रहा है? मैंने मास्क चेंज कर दिया। एंड गाइज, ये जो आप वॉल देख रहे हैं ये है जामिया मिडिल स्कूल, और वो जो वॉल है वो है जामिया सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। तब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो उधर जामिया मिडिल स्कूल है वो जो आप देख रहे हैं, और ये सारे हॉस्टल से जामिया के जो भी हैं, ये हॉस्टल से जामिया के। और इधर हम जाते हैं, इधर मस्जिद मिलता है हमें एक, और सामने वहाँ पर हमें कैंटीन मिल जाता है। तो लेट्स लुक एट सम शॉट्स। एक्चुअली सीन्स अभी कुछ ऐसा है कि अभी स्कूल में एडमिशन चल रहा है, तो बच्चे बहुत सारे आ रहे हैं एडमिशन लेने, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस बनाने अलाउ नहीं है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट ताकि मैं आपको जामिया स्कूल का एक छोटा सा, मतलब पूरा एक टूर करा सकूँ, सब कुछ दिखा सकूँ। तो लेट्स वॉच दिस वीडियो टिल एंड, और अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके जाओ, चैनल पर नए हो तो बताइए क्या करना है, लेट्स डू इट। तो आप सामने वो जो देख रहे हैं बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है ये भी जामिया हॉस्टल्स है बॉयज़ का। तो इस साइड और ये जो है इस साइड, ये हॉस्टल्स है दोनों, और सामने इधर स्कूल है और इसके पीछे भी स्कूल है, उधर हम चलते हैं अभी। एंड दिस इज द लाइब्रेरी ऑफ जामिया स्कूल, ये स्कूल का लाइब्रेरी है, यहाँ पे आप आके पढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टेशनरी का ये शॉप है ये जो आप देख रहे हैं, और यहाँ से भी एंट्री होती है अगर जब आपका एडमिशन हो जाता है, उसके बाद आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो गेट नंबर 18 के तरफ से, और उधर फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है। एक्चुअली आज ये व्लॉग मैं मोबाइल फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि मैं कैमरा यहाँ नहीं यूज कर सकता, तो प्लीज़ यार थोड़ा मैनेज कर लेना, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो लेट्स चलते अभी सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एंड जब हम इधर जाते हैं तो इधर हम एक नए स्कूल की तरफ जाएंगे, और इधर हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तो लेट्स हैव अ लुक। एंड दिस इज द साइंस ब्लॉक, एंड ये भी एक गेट है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ जाने का। एंड इधर से हम आ जाते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ, जो मैंने साइंस ब्लॉक वाले रास्ता था उधर से हम आते हैं सीधे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ। ये हमारा कैंटीन है जहाँ पे आप कुछ खा सकते हो आकर, और ये रहा हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स।
ये सारे एरिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हैं। यहाँ पे मैच, क्रिकेट मैच होता है, फुटबॉल मैच होता है, वहाँ पे क्रिकेट का प्रैक्टिस होता है और यहाँ पे ऑडियंस बैठ के अपने फेवरेट टीम को चीयर्स करते हैं। अगर हम बात करें जामिया स्कूल के ग्राउंड का, तो ग्राउंड ठीक ठाक है, इट्स ओके यार, मतलब उतना अच्छा भी नहीं है लेकिन बेस्ट है। ग्राउंड अच्छा है, क्रिकेट पिच है, फुटबॉल खेल सकते हो, बस ग्रासेस नहीं है ग्राउंड पे, बहुत कम है, लेकिन ग्राउंड बहुत अच्छा है। इनका अपना पर्सनल है, स्कूल का ग्राउंड अलग है, यूनिवर्सिटी का ग्राउंड अलग है, इनका अपना प्रैक्टिस सेशन है, सब कुछ इनका अलग है। एंड मैं आपको कुछ दिखाऊं, वो जो सामने बिल्डिंग है वो जामिया स्कूल है, ठीक है, जामिया स्कूल है। उधर हम नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे गार्ड है, तो उधर अगर मैं गया तो सारे क्लिप मेरे हो जाएंगे डिलीट। और यहाँ पे जो है वो है नर्सरी फातिमा, सॉरी, यहाँ पे नर्सरी का स्कूल है, मुर्शीद फातिमा नर्सरी स्कूल है यहाँ पे, जो आप देख रहे थे यहाँ पे नर्सरी क्लासेस होती है। और इसके सामने जो बिल्डिंग दिख रही है बड़ी वाली, लेट्स हैव अ लुक, जो बिल्डिंग दिख रही है वो जामिया स्कूल। एंड ये सारे क्लासरूम है, ये स्कूल के सारे क्लासरूम है। देखो मैं क्लास के अंदर तो खैर नहीं जा सकता, जितना मुझसे हो पाया मैंने शूट किया। और अभी मैं आपको लास्ट जो है हॉस्टल दिखा देता हूँ कुछ बाहर से ही, क्योंकि अंदर नहीं जा सकते, वैसे भी कोविड की वजह से अलाउ नहीं है, ये भी अलाउ नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू डू। देखो यहाँ से हमारा हॉस्टल स्टार्ट हो जाता है और ये रहा हमारा इकबाल हॉस्टल। कोविड की वजह से हॉस्टल्स ऑलमोस्ट सारे बंद हैं, जब से कोविड हुआ है तब से तो कुछ हालत ऐसे है। एंड जैसे हम यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ पे एक बैडमिंटन कोर्ट है, जब स्टूडेंट्स रहते हैं तो अपना यहाँ पे नेट लगाकर बैडमिंटन खेलते हैं। और अभी तो व्यू का आप एंजॉय लो। ये जो देख रहे हैं ये हाली मंजिल है, जामिया स्कूल हॉस्टल है ये भी, तो स्कूल के अंदर ही हॉस्टल्स हैं, मतलब स्कूल के जो हॉस्टल्स हैं वो स्कूल के अंदर ही हैं। हम यहाँ से आगे चलते हैं, ये तो पार्क है, वहाँ पे फाउंटेन वगैरह है, तो ये रहा यहाँ पे स्कूल। आई होप मैं आपको ऑलमोस्ट दिखा चुका, आपको समझ में आ गया होगा। और इधर से जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो जो आप देख रहे हैं वो है, जो सामने आप देख रहे हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है। यहाँ पे मास्टर्स के क्लासेस होते हैं, आई थिंक अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की जो क्लासेस होते हैं वो यहीं पर होते हैं। तो गाइज आज के ब्लॉग में बस इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। और पीछे देखो मेट्रो जा रही है, तो दिल्ली के जामिया के ऊपर से मेट्रो गुजरती है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना।